हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं आपको फ्रेंड बताने वाली हूँ कि किसी भी पार्टी में जाइए तो स्टेप बाय स्टेप अच्छा सा मेकअप आप कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है मेरा, मैंने यहाँ पर मम्स का टोनर लिया है और आप टोनर को अच्छे से अपने नेक पर, फेस पर अप्लाई करिए। सेकेंड है मैंने VLCC का मॉइस्चराइजर, अब VLCC का मॉइस्चराइजर अच्छे से अप्लाई करिए। थर्ड है मेरा मार्स का प्राइमर, मार्स का ये गोल्ड प्राइमर है, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिसकी भी ड्राई स्किन हो वो मार्स का गोल्ड प्राइमर लगाइए, बहुत अच्छा होता है। जिसको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगी, आप वहां से मंगा लीजिएगा। इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद 2 मिनट छोड़ दें, फेस एब्जॉर्ब कर ले जिससे अच्छे से। इसके बाद मैंने मार्स का ही कंसीलर लिया है, आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से आप अप्लाई करिए। मैं यहाँ पर आंखों के अगल बगल एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ, इससे मेरा डार्क सर्कल भी छुप जाएगा और आंखों का मेकअप भी बहुत अच्छा आता है। आप कंसीलर नहीं लगाएंगे, अगर डायरेक्ट फाउंडेशन लगाएंगे तो मेकअप के 1-2 घंटे बाद अगर आपके डार्क सर्कल है तो वो दिखने लगता है। कंसीलर से आपका डार्क सर्कल नहीं दिखता, मेकअप बहुत अच्छा, आई मेकअप बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैंने अपने आँखों के अगल बगल एरिया पे कंसीलर को अप्लाई किया है। इसके बाद मैं यहाँ पर मेबलिन का फाउंडेशन ली हूँ, मेरा 128 स्किन टोन है। आप अपने स्किन टोन के हिसाब से ही अगर आप फाउंडेशन लगाएंगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छा आएगा। आप अपने नेक पर, फेस पर अच्छे से अप्लाई करिए। जब भी फाउंडेशन लगाइए तो अपने नेक पर, ईयर पे, फेस पर पूरा अप्लाई करिए, वरना फेस पे सिर्फ अगर आप लगाते हो तो फेस अलग कलर का दिखता है, नेक अलग कलर का दिखता है, ईयर अलग कलर का। तो इसलिए जब भी आप फाउंडेशन या मेकअप कर रहे हैं तो कम से कम नेक, फेस, ईयर को आपको कवर करना ही करना है। अच्छे से फाउंडेशन को डैप डैप करके मिक्स करिए। इसके बाद मैंने मार्स का आई शेडो लिया है। सबसे पहले मैं अपने स्किन टोन के हिसाब से आंखों पे बेस लगाऊंगी लाइट शेड में। आई मेकअप थोड़ा लाइट ही रखूंगी क्योंकि मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, तो जैसी पार्टी रहती है मेकअप भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत ओवर मेकअप बहुत ख़राब लगता है। और यहाँ पर मैंने लाइट शेड लगाने के बाद, अब आप जिस कलर की भी ड्रेस पहनते हो या जिस कलर की आपको ड्रेस पहनना हो उस कलर का आप ज़्यादा या जैसी पार्टी हो वैसी आप अपना आई मेकअप कर सकते हैं, स्मोकी आई कर सकते हैं। शादी पार्टी में तो मुझे बहुत बड़ी पार्टी में नहीं जाना है, तो इसलिए मैं अपनी आंखों पे बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही हूँ, हल्का सा अपने साड़ी के कलर का मैं यहाँ पर आई शेडो लगा रही हूँ। यहाँ पर मेरी शेडिंग थोड़ी सी नहीं बनी हुई थी, अचानक से पार्टी में जाना हुआ, तो आप अपने थ्रेडिंग को सेट कर सकते हैं आईब्रो पेंसिल से हल्का सा
आप इस तरीके से पतली मोटी भी कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छी लगे। मैंने यहाँ पर मेबलिन का मस्कारा अप्लाई किया है। मस्कारा के बाद मैं यहाँ मेबलिन का ही आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ मैं मेबलिन का ही काजल भी लगा रही हूँ। मेरी आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। अब मैं फेस पे लैक्मे का कॉम्पैक्ट लगाऊंगी। अपनी स्किन टोन के हिसाब से आप कॉम्पैक्ट को भी यूज़ करिए। उसके बाद आप ब्रश को हल्के पूरा अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। इससे ब्लेंड करने से पूरी क्लियरिटी आ जाती है और पूरा फेस आपका निखर जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ब्लश कर लीजिए, लगाइए गालों पर। ऊपर के एरिया में लगाकर आप इसको गैप कर सकते हैं। कितना अच्छा ब्लेस आया है। लिप लाइनर, लिप लाइनर से आप आउटलाइन कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ मेबलिन की ही लिपस्टिक भी यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर मेबलिन की लिपस्टिक लगाई है और लिप ग्लॉस है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का इस पर लिप ग्लॉस लगाया जिससे हल्की शाइनिंग मेरी लिपस्टिक अपने लगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइन कर रही है लिपस्टिक। हल्की मैं चैन डाल रही हूँ गले में, ये नहीं मैच करेगा। तो मैंने फ्लोरा प्रिंट की साड़ी पहनी है और मैचिंग एक मैं कड़ा डाल रही हूँ। ये मेरी साड़ी पे ईयर रिंग मैच करेगी तो मैंने इस ईयर रिंग को डाला है। तो अब मैं अपनी हेयर स्टाइल बनाऊँगी। हेयर मैं खुला ही रखूँगी, बस हल्का सा क्लच करूँगी। अब मेरा आप फाइनल लुक देख सकते हैं बर्थडे पार्टी के अकॉर्डिंग। मेरा मेकअप आपको कैसा लगा? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।